नमस्कार दोस्तों, राजस्थान रोजगार खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग में दिसंबर से पहले 77,100 पदों पर नवीन नियुक्तियां कर दी जाएगी, यह खबर है दैनिक नवज्योति के सौजन्य से। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसमें आपको विस्तार से बता दें, जयपुर वसुंधरा सरकार ने बजट घोषणा के मुताबिक युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि शिक्षा विभाग में दिसंबर से पहले 77,100 पदों पर नवीन नियुक्तियां कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 54,033 श्रेणी अध्यापकों, 4,500 शिक्षारिक शिक्षकों, 700 पुस्तकालय अधीक्षक, 1,200 प्रयोगशाला सहायक, 5,000 व्याख्याता और 9,000 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती 5 मार्च को व 1,200 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए 7 मार्च को स्वीकृति जारी कर दी गई है। तो दोस्तों इन सभी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, इस चीज पर आप ध्यान दें। यहां पर इनकी स्वीकृति जारी कर दी गई है और यह एक कार्य पूर्ण स्तर पर पहुंच चुका है, अब बस इनकी केवल और केवल नोटिफिकेशन आना बाकी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2018-19 में शिक्षा कर्मियों एवं पैरा टीचर्स व मिड डे मील योजना के अंतर्गत कार्यरत कम हेल्पर के मानदेय में 1 जुलाई 2018 से 10% की वृद्धि के संबंध में भी राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा संकुल में 1,44,24,000 की लागत से रसोई लर्निंग स्टूडियो का निर्माण भी प्रगति पर है, अप्रैल माह तक यह कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा 26,000 लेवल प्रथम अध्यापकों की नियुक्ति 2018 में पूर्ण हो जाएगी। बुधवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणा के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। तो दोस्तों राजस्थान रोजगार खबर के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे लगातार इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें कि यह जानकारी और अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो का मतलब अब भर्तियां आना कन्फर्म हो गई है, आने ही वाली है, बस 1-2 दिन या अगले सप्ताह तक सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। तो दोस्तों तैयारी जारी रखिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही बंद मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।